दिस इज़ आब्दा बलोच। आज सैटरडे है लेकिन मैं ऑफिस आई हुई हूँ। अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा, बल्कि मुझे अच्छा लगता है सैटरडे संडे मैं घर पे स्पेंड करूँ, आराम करूँ। मैं मोस्टली प्रीफर करती हूँ लेज़ी वीकेंड होना चाहिए या फिर फैमिली के साथ। लेकिन बहरहाल मुहर्रम का चांद नज़र आने के बाद वी हैव टू डू एक और रिकॉर्डिंग। एक रिकॉर्डिंग हम कर चुके थे लेकिन उसके बाद हमें एक और रिकॉर्डिंग करनी थी। बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था पूरा वीक, तो हमें बाहर हाल फिर करनी पड़ी। कब? सैटरडे मॉर्निंग। तो बहुत ही अच्छा सा वेदर है, मैं दिखाती हूँ आपको। हल्की हल्की सी फुहार हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है। और वैसे मैं मॉर्निंग में नहीं आती हूँ, बड़ी कड़कती हुई सड़ियल सी धूप में आती हूँ ऑफिस, लेकिन आज मुझे अच्छा लग रहा है। बहरहाल मौसम बहुत अच्छा है जिसने मेरा ख़राब मूड भी अच्छा कर दिया, वरना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मेरी नींद ख़राब हुई, मैं इतनी जल्दी उठी और मेरा जो लॉन्ग वीकेंड है वो थोड़ा सा शॉर्ट हो गया। एनी हाउ, नौकरी की ते नखरा की, तो सैटरडे को मैं यहाँ पर हूँ। और वो जो एक मूड सुबह से थोड़ा सा डल थी, मैं ख़राब चल रहा था, मौसम को देख के, बारिश को देख कर, बहुत ही अच्छा हो गया। आई होप कि हमारी रिकॉर्डिंग जल्दी से हो जाएगी। मेकअप तो वैसे भी हम हमेशा ही लाइट करते हैं, लेकिन क्योंकि 10 मुहर्रम की रिकॉर्डिंग थी तो हमने इस चीज़ का भी ख्याल रखा कि मेकअप बहुत ज़्यादा लाइट हो। मेकअप तो मेरा लाइट होता है लेकिन स्पेशली लिपस्टिक, और इसके अलावा जो है वो ब्लैक कोट वेयर किया है। आज मैं बनाने जा रही हूँ चना पुलाव, और साथ ही हम बनाएंगे कुछ गलावट के कबाब। तो इसके बाद फिर मुझे अपने एक पर्सनली काम से भी जाना है, तो दो काम है बल्कि आज मुझे। मैंने एक चार्जर लिया था लैपटॉप का, वो भी मुझे एक्सचेंज करना है। और इसी के साथ साथ मुझे आज बच्चों के स्कूल जाना है, कुछ मीटिंग है उनकी टीचर के साथ, तो ये दोनों मेरे काम हैं। मैंने सोचा चलो शो ख़त्म करते हैं और उसके बाद फिर मैं अपने ये वाले दोनों काम भी होपफुली निपटा लूँगी। उसके बाद मेरा पूरा प्लान है सोने का, थोड़ा सा मैं ज़रूर सोऊंगी। और जब तक मेरी नींद पूरी ना होना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो नींद अपनी ज़रूर पूरी किया करें। अगर आप ग्लो करना चाहते हैं, यंग रहना चाहते हैं, या चाहते हैं आपके काम बहुत अहसन तरीके से हों, बहुत अच्छे से हों, अपने काम को आप बहुत अटेंशन दें, तमाम चीज़ें बहुत स्मूथली चलें, तो एक तो नींद बहुत अच्छी सी करें, पूरी करें, और इसके साथ साथ ब्रेकफास्ट ज़रूर करें। तो आज तो मैंने ब्रेकफास्ट में लिए हैं बादाम वाली खजूरें, मैंने 3 खा ली थी। वैसे भी मुझे लगता है कि जब हम स्टार्ट में कुछ मीठा ले लेते हैं ना, तो फिर एकदम से वो आपको बूस्ट करता है। और मॉर्निंग में कुछ हेल्दी मीठा, बनाना, एप्पल, या फिर आप ले सकते हैं खजूरें, हनी सीरियल के साथ, ये तमाम चीज़ें ना आपके बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देती हैं एकदम मॉर्निंग में। तो चलें, लेट्स सी। लाइफ तो नहीं है कि टाइम से शुरू होगा, लेकिन होपफुली सेट तैयार हो चुका होगा। अंदर चलते हैं, कुछ कैप्चर करते हैं रेसिपीज़ को भी। सो लेट्स गो। चुका है और अब मैं जा रही हूँ घर की तरफ। बहुत ही ज़्यादा फ्रेश हो गई हूँ। गलावट के कबाब वाकई बहुत अच्छे बने थे, जबकि मैंने उनको बिल्कुल थोड़े से टाइम के लिए कच्चा पपीता लगाया था, बट दे वर अमेजिंग।